देखिए आप देख लेंगे, अगर कैंपेन में वो बातें सामने आएगी जो सोशल मीडिया में आ भी रही है, तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जनता खुद समझ जाएगी कि क्या क्या बोले थे और आज क्या हुआ है। इन हालातों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी देश की, जिसका त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का लंबा इतिहास है, आज़ादी के पहले का भी, आज़ादी के बाद का भी। कोई कम बात नहीं कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शहीद हो गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, बम चौड़ा दिए गए। उस देश के अंदर ये लोग आके बात करते हैं कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, जिन्होंने आज़ादी की जंग में अपनी एक उंगली भी नहीं कटाई। वो लोग बात करते हैं कि अब महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को ले रहे हैं। तो आज इनकी स्थिति है कि ये फासिस्ट लोग हैं। इसलिए मैं ऐसे मौके पर ये भी आह्वान करना चाहूँगा पूरे देश के हमारे तमाम उन लोगों को भी जो पार्टी छोड़ के कोई कहने चले गए हों। कई बार राजनीति में, लोकतंत्र में नाराजगी हो जाती है, कई कारण हो जाते हैं, पर मैं चाहूँगा कि जो देश के हालात हैं उसमें तमाम वो लोग जो कांग्रेस में रहे सालों चले गए थे, उनको पुनः वापस कांग्रेस में आना चाहिए। ये मैं उनसे अपील भी करना चाहूँगा इस मौके पर। ये हमारे लिए मुबारक मौका है कि तारिक अनवर साहब हमारे पुराने मित्र भी हैं। 1980 में हम लोग साथ साथ में पार्लियामेंट में एंटर हुए थे और आज वापस हमारा मिलन हो रहा है। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। हाँ सर, से यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी अशोक जी ने और शक्ति सिंह जी ने जो बातें कही, मैं अपनी ओर से उसमें इतना ही जोड़ना चाहता हूँ कि आज जो देश की परिस्थिति है, जिस नाजुक दौर से हम सब गुज़र रहे हैं, उसमें आवश्यक हो गया है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर कोई विकल्प बन सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी बन सकती है। मैं राहुल जी का बहुत आभारी हूँ और समस्त कांग्रेस परिवार का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा कांग्रेस में स्थान दिया है, जगह दी है। हम ये मानकर चलते हैं कि और भी लोग, जैसा अभी अशोक जी ने कहा कि हम अपील करेंगे उन तमाम कांग्रेस जनों से जो किसी न किसी कारणवश कांग्रेस से अलग हो गए, जुदा हो गए, अब समय आ गया है कि हम अपने तमाम बातों को भूलकर फिर से एक बार कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें, राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, ताकि देश के अंदर जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो इस देश के सद्भाव, भाईचारगी, आपसी मेलजोल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका हम मजबूती से सामना कर सके। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए इस मौके पर इतना ही कहूँगा। हमारे इस बीच में यहाँ सुरजेवाला जी हैं, सदानंद बाबू हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं, अखिलेश जी हमारे साथी सांसद, और सभी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं और आप सब में पहली बार जीत कर आए थे तो तब से लगातार कांग्रेस विचारधारा को मानते हुए हम आगे बढ़े हैं और आगे भी उस काम को हम लोग करेंगे। और हमारी यही कोशिश होगी कि अगर हम इस मौके पर अगर कांग्रेस की कुछ सेवा कर सके, देश की कुछ सेवा कर सके, क्योंकि एक लंबा समय हम लोगों ने राजनीति में गुजारा है, अब समय आ गया है कि हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर देश और कांग्रेस की सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, जो हमारे पत्रकार बंधु आए, उनको धन्यवाद देता हूं और सहयोग के लिए
आपको आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद। Press.